दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय निम्बस एकेडमी फॉर HES एंड IAS. न्यू बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10th ऑफ अक्टूबर. ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैच अवेलेबल. किन्नौर जिला के चोलटू स्थित JSW ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने 64 करोड़ की लागत से 18 उद्घाटन व 5 विकासात्मक कार्यों का शिलान्यास किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि किन्नौर जिला में बीते 18 वर्षों से लंबित पड़े FRA के 344 केस सेक्शन किए गए हैं. आने वाले समय में और भी मामले निपटाए जाएंगे. इसी तरह किन्नौर में 48 लाभार्थियों को नो तोड़ के पट्टे भी दिए गए. मुख्यमंत्री ने कहा, कोविड के दौरान किन्नौर जिला प्रदेश में कोविड वैक्सीन लगाने वाला पहला जिला बना है. इसके लिए भी उन्होंने किन्नौर वासियों को बधाई दी है. आजो आजो मैम, आगे आ जाओ. आप ना आगे, आगे आगे निकलो. हाँ जी. OPS एक ऐसे इशू है, स्वाभाविक रूप से कर्मचारियों को अपना भविष्य, अपने परिवार का जो भविष्य है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी मांग करने का अधिकार है और उन्होंने अपनी बात रखी, अपना पक्ष रखा है और हमने सारे विषय को लेकर के बहुत विस्तार से हमने चर्चा की भी है. लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग राजनीतिक दृष्टि से इस OPS को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ, ना तो उन लोगों की सरकार हिमाचल प्रदेश में उस पार्टी की बनने वाली है और ना ही जिन प्रदेशों में वो सत्ता में है वहां पर OPS को लागू करने के लिए जो उनने एक महज एक कागजी कार्रवाई की है उसमें वो सफल हो पा रहे हैं.
तो इसलिए राजनीतिक मकसद से ओपीएस को हथियार बनाना ये समझता में उचित नहीं है। हमने इस बात को भी देखा, कर्मचारियों में बहुत सारे लोग जो है इस बात से भी सहमत हैं कि अगर ओपीएस लागू होगा तो वो तभी लागू होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में होगी, केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व तो लंबे समय के लिए है। तो ऐसे में हमको सबको नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना चाहिए, फिर भाजपा की सरकार प्रदेश में बने और फिर हम अपना पक्ष भारतीय जनता पार्टी के समक्ष रखें और ऐसे में ही संभव है ओपीएस को लागू करना। कांग्रेस पार्टी देश में आने वाले कई दशकों तक सत्ता में आने वाली नहीं है और ऐसी स्थिति में ऐसी जो बातें कह रहे हैं वो मात्र गुमराह करने के सिवाय और कुछ नहीं है। इसलिए मैं कर्मचारी भाइयों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि गुमराह मत करिए, अपना पक्ष आपने रखा है। अगर ओपीएस को अगर लागू करना था तो 2013 में इनकी सरकार बनी थी प्रदेश में और जिनका ये निर्णय था कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस नहीं है, एनपीएस लागू करनी है, तो वो वीरभद्र सिंह जी थे, कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ नेता थे, वरिष्ठतम नेता थे और उन्होंने ये निर्णय लिया, हमने तो निर्णय लिया नहीं था। और ऐसी सूरत में अब 20 वर्षों के बाद इस मुद्दे को इस प्रकार से राजनीतिक मकसद के साथ उठाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं यही तो लोगों को समझाने के लिए हम लोग निकले हैं कि जिस पार्टी का पूरे देश में कुछ बचा नहीं और हर प्रदेश में वो सिमटती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है, उसका कोई भविष्य नहीं है। और इसलिए कांग्रेस के लोग, बड़े बड़े लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं क्योंकि भविष्य नहीं है वहां पर, ना देश का, ना प्रदेश का और ना ही नेताओं का। इसलिए इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि उनके नेता पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं। और वही कह रहे हैं कि वो कांग्रेस समाप्त हो गई जो पहले हुआ करती थी, आज तो एक परिवार कांग्रेस को देश में चला रहा है और ऐसे में जो नेतृत्व है वो जो सही जो जमीनी हकीकत है उससे वाकिफ होने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। और जमीनी हकीकत यह है कि कांग्रेस धरातल पर समाप्त हो रही है और निश्चित रूप से इसमें कुछ प्रोग्रेस होगी। और इसी तरह से एनएचपीसी का भी मामला था लाडा का और उसमें हाल ही में हमने 50 करोड़ रुपए उनसे रिलीज कराए हैं, लोगों को दे भी दिए हैं। और उसी तरह से जो जेएसडब्ल्यू की अगर बात कह रहे हैं तो उस दृष्टि से भी हम सारे मामले को टेकअप कर रहे हैं और उसमें टेक्निकल कुछ चीज़ें हैं, क्या करना है उनका अपना पक्ष है, सरकार का अपना पक्ष है, लेकिन वो सारी चीज़ों को लेकर के कोई रास्ता निकालेंगे। यही बात मुझे कहनी। थैंक यू सर। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रिकॉम्पियो से मोहिंद्र नेगी की रिपोर्ट।